खबर जनपद नैनीताल से है, जहां लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए शुक्रवार को मल्लीताल बोट स्टैंड में मतदाता जागरूकता बोट रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस बोट रैली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान नाविकों ने झील में विभिन्न आकृतियां बनाकर लोगों को मतदान करने की अपील और जागरूक किया, और इस प्रतियोगिता में करीब 40 नाविकों ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए स्वीप टीम जिले भर में जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें युवा मतदाताओं को बूथ जागरूकता समूह से जोड़कर और मतदाता शपथ आदि के माध्यम से जागरूक कर रही है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जनपद में इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं, स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जिन एरियाज में, जिन बूथों पर ट्रेडिशनली मतदान प्रतिशत कम रहता है या कम लोग वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं, वोट कम लोग देते हैं, ऐसे एरियाज में लोगों को जागरूक करके वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि वो पोलिंग डे के दिन अपने अपने बूथ पर आकर वोट दें और जो है एक मताधिकार के प्रयोग का जो है अच्छा एक मैसेज जाए। आज जो बोट संचालक हैं उनके संगठन के माध्यम से भी एक मतदाता जागरूकता बोट रैली एक जो है आयोजित करी जा रही है, जिसमें ये लोग पूरे शहर के लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि हम भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आप लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें।